जन्म के तुरंत बाद स्तनपान को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। धारणा पहली बार गर्भ से है, वह भी स्तनपान से जुड़ी बहुत सारी बातें जानने के लिए उत्सुक है और इसलिए वो धाती माँ अनीता के पास जाती है। कुछ बातें अनीता दीदी बता देती है और कुछ बातें आशा कार्यकर्ता रंजना पटेल और आरएमएफ की दीदी संगीता राठौर बताती हैं। आइए हम भी जानें स्तनपान क्या है। धारणा तुम यहाँ मिली गया हो तो यहाँ से बातचीत करी। तुम्हारा घर आने वाले थे। हाँ, हम अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। कहीं हमारी बुराई नहीं कर ही रहा था? नहीं नहीं, मुझे और दीदी समझा रहे थे। दीदी ने बताया था कि 6 माह तक बच्चा का माँ को दूध पिलाना चाहिए, इसलिए मैं दीदी को बताई रही। हाँ तो वो तो सही है ना, अपन अस्पताल में जावांस की तो परसों का तुरंत बाद माँ को पिलो गाड़ो दूध पिलाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो इसे खराब दूध कहा जाता है। वो खराब नहीं रहता, वो अच्छा रहे। अस्पताल में जन्म का तुरंत माँ को पिलो गाड़ो दूध पिलाना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चा का भरपूर दूध मिली रो कि नहीं? एको पतो तुम खासो चलेगा, यदि तुम्हारा बच्चो 7-8 बार पेशाब करे तो समझो तुम्हारा भरपूर दूध ओका मिली रहे। कितनी बार दूध पिलाना चाहिए बच्चा को? बच्चों जमा मांगे जमा प्याड़ो। मेरी भाभी तो अपने भाई बीमार होती है जब भाइयों को दूध ही नहीं पिलाती है। नहीं, बच्चों बीमार हो जब भी दूध प्याड़नू, न माँ बीमार है जमा भी दूध प्याड़नू। दूध अच्छा रहता है, उसमें कई बीमारी नहीं रहती, चाहे माँ को माँ बीमार हो चाहे बच्चा बीमार हो, माँ का दूध कभी संक्रमित नहीं होता है, वो बच्चे के लिए सुरक्षित ही रहता है। नहीं, मेरी भाभी तो जब बीमार होते है जब गाय और बकरी का दूध पिलाती है। गाय बकरी और डब्बे के दूध से अच्छा माँ का दूध अच्छा होता है, वो बच्चे को वो बच्चा पचा लेता है अच्छे। नहीं, इतनी बातें आपने बताया, अभी ये भी बता दो कि माँ के दूध से और क्या क्या फायदे होते हैं? बच्चे का बच्चा को दिमाग तेज रहे, फिर दूसरी बात चाहते हो कि वृद्धि और पोषण में सुधार आ जाए, फिर चाहते हो माँ बच्चा को साथ में रहना, सिर्फ माँ से बच्चा को गर्मी मिले तो उनको तापमान सही रहे न, फिर माँ बेटा को प्रेम भी बढ़े। दूध कहीं अपन को खरीदना तो पड़ता ही नहीं, उसको कहीं गाय भैंस या डिब्बे से तो कहीं बनाना पड़ता नहीं, घर में भी नहीं बनाना पड़ता, नहीं बाजार से अपन को खरीद के लाना पड़ता है, वो तो अपने पास ही रहे, मन चाहे जितना पिला दो, जब चाहे जब पिला दो, ये फायदे। तू काय काय करेगा? सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे को अपना गाढ़ा दूध पिलाऊंगी और इसके ऊपर अन्य और कुछ भी नहीं पिलाऊंगी। 6 महीने तक अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाऊंगी और उसे हर 2 घंटे में अपना दूध पिलाती रहूंगी। जितनी बार चाहे उतनी बार दूध भी पिलाना और फिर वो ये तो उस पर ध्यान भी देना और उसकी साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान दो। दिमाग में तो न जाने क्या क्या भरा पड़ा था, अब जिसे आपने बता दिया तो मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अब समझ में आ गई, अब तू परसों के बाद तेरा पीला गाढ़ा दूध ही पिलाएगी, क्रिस वो बोलते है ना वही पिलाएगी ना। हाँ, और मायके जाऊंगी और अपनी भाभी को भी समझाऊंगी, सभी को समझाऊंगी कि माँ का दूध कितना फायदेमंद होता है। अपनाना वाला मुख्य बिंदु नाना, जन्म से 1 घंटा का भीतर बाड़क माँ को पहलो गाढ़ो दूध पिलाना चाहिए। जन्म से 6 महीना तक बाड़क माँ का दूध का अलावा पानी शहद घुट्टी कई भी नहीं पिलाना चाहिए। चाहे माँ बीमार होए कि बाड़क, हमेशा स्तनपान कराड़ता रहो। दिन में 8 से 10 बार हर 2 घंटा के भीतर या बार बार बाड़क स्तनपान कराणु बहुत जरूरी छे। माँ को दूध बाड़क कलेण बहुत पौष्टिक होवज, यो बाड़क शारीरिक न मानसिक विकास में मदद करज और बीमारी न का संक्रमण से लड़न में ताकत देज।